नमस्कार मैं हूं सारिका पंकज आपके लिए हर शनिवार और रविवार को कहानियां लेकर आती हूं आज रविवार है तो आज की कहानी जो होगी वो कालजयी कहानी होगी और इसके क्रम में आज इंदिरा गोस्वामी के लघु उपन्यास नीलकंठी के ब्रज का कुछ हिस्सा लेकर आई हूं एक बार फिर सौदामिनी के दिमाग में दुराग्रही शंकाओं ने प्रहार किया सब बातों के परे वो चाहती क्या थी आखिर क्या यही सब अधिकारों एवं विचारों की अपेक्षा कर उसने पाया है अपने प्रेमी से उसने कहा तुमने भी उस भयंकर एकांत को अनुभव तो किया होगा ना तुम भी बूढ़े होते जा रहे हो क्योंकि अंधेरे में भी तुम्हारे सिर पर सफेद लकीरों को मैंने देखा है किंतु उसने एक भी शब्द जवाब में कहा नहीं केवल अपना सर अपने घुटनों पर टिका लिया नहीं प्रिय कोई कारण नहीं है हम आज अपने हृदय के बाहर आ जाएं तो इतने दिनों के इंतजार के बाद आज वो क्षण है जो मेरे लिए मायने रखता है अन्य कुछ नहीं बाकी सब सोच विचार जो है वो बेकार है इसका सबसे अधिक फायदा उठाओ यह हमारे जीवन की महानता का क्षण है इस क्षण को शाश्वत हो जाने दो पास से मुझे चूमो या आलिंगन में मुझे जकड़ लो ठीक पागल प्रेमी जैसा बाकी सब का महत्व मेरे लिए खो चुका है ये वही दिन है जिसकी प्रतीक्षा मैं कर रही थी तुम रो रहे हो प्रिय ये मुझे दुखी बना देता है लड़की ने कहा फिर कुछ देर रुककर उसने कहना चालू रखा इस दिन के लिए मैं देख रही थी क्योंकि मैंने सोचा कि जीवन में मेरे लिए ये नया अध्याय खोलेगा और नई दिशा का विचार भी देगा मैंने सोचा मेरे सारे भय और हिचक पर यह पूर्ण विराम लगा देगा आओ ना मेरे प्रिय मेरे पास आओ बाहर के तूफान सा ही मेरे दिल में भी तूफान उठ खड़ा हुआ है मैं निराश हो चुकी हूँ मैं भूखे भेड़िए के समान आतुर हूँ मेरे इस गर्मी के पीछे है शरीर और दिमाग का उत्ताप एक ईसाई और एक हिंदू जो हर्ष आलिंगन में बद्ध हैं इसका रहस्यपूर्ण उत्ताप वो ताप जिसमें मैं अपने जीवन और अस्तित्व का अर्थ पाती हूँ मैं चाहती हूँ कि दूसरे भी हमारे उष्ण हृदयों की लक्ष्यपूर्ण धड़कनों को सुने तभी उस झोपड़ी की टूटी दीवार में दरार आ गई और वो गिर पड़ी वो जो धर्म के कारण तुम्हें जाति के बाहर समझते हैं कसाईयों से अधिक अच्छे तो बिल्कुल नहीं मैं उन्हें कसाई ही कहूँगी सौदामिनी विद्रोह के साथ कहने लगी फिर अपने घुटनों के बीच अपने सर को रख, उसे सकने लगी जैसे कोई छोटी सी लड़की हो तूफान बढ़ने लगा पीपा के पुल के खंभों से तैयार के टकराने की आवाज सुनी जा सकती थी सौदामिनी ने अनुभव किया कि उसने किसी असहाय आत्मा के पास के भवन में खो जाते समय की तेज चीख सुनी है नदी के उस स्थान के बारे में कहा जाता था प्रत्येक वर्ष कुछ राधेश्यामिया वहां जल समाधि पाती हैं आज पानी के तालाब ने लगता है जैसे पागलपन की उत्तेजना में डरावना व्यक्तित्व धारण कर लिया है टूटी दीवार के पास किसी चीज के लुढ़कने की आवाज सुनाई दी तभी सदामनी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई फिर उसे पता चला कि वो लुढ़कने वाली वस्तु कुछ और नहीं है बल्कि लालटेन है जिसे उसके पिता अपने साथ लाए थे इसका मतलब है कि अभी भी उसके पिता घाट की सीढ़ियों पर बैठे हुए हैं अतः अपेक्षा से उसने बाहर झांक कर देखा पर वो बढ़ते तूफान एवं अंधेरी रात के कारण किसी आकृति की छाया तक का पता ही नहीं लगा सकी हवा ने कमरे में खुली हुई खिड़की के माध्यम से कुछ सूती ऊन के गुच्छों को उड़ा दिया वो एक राधे श्यामी के कंबल से फाड़े हुए थे कुछ दिन पहले ही किसी चोर ने उस कंबल को फाड़ डाला और उसके अंतिम संस्कार के लिए रखे पैसे भी चुरा लिए पूरे समय वो प्रेमी चुपचाप मासूम बच्चा सा अपनी प्रिया की अधीर था भरी चूहल देख रहा था वो अब उसके पास आई और घुटने के पास घुटनों के बल बैठ गई फिर उसने कहा चलो ना उस लकड़ी के तख्ते को ज़मीन पर बिछा दें और उस पर बैठ जाते हैं ब्रज के कुछ युवा गुंडों ने माधव नारायण के पंडों की बेईमानी उजागर करने के लिए ये बोर्ड बनाया था हम कुछ देर यहाँ आराम कर सकते हैं तूफान के थमने तक तो कर ही सकते हैं ओह क्या भयंकर तूफान है बाहर सब कुछ गुड़ मुड़ हो गया है देखो लहरें कैसे उठ रही हैं क्या वो यहाँ तक पहुँच जाएंगी क्या वो हमें डुबो देंगी बहुत दिनों पहले तुम्हें मालूम है मैंने ठीक वैसा ही दृश्य सपने में देखा था क्या लहरों के सिरे कसाईयों के सिरों से दिखाई नहीं दे रहे हैं कितने अजीब दिखाई देते हैं वो वो लहरें और कितनी डरावनी हैं। फिर कुछ देर रुककर उसने ग्लानी से कहा मेरी माँ अब और अधिक नहीं जी पाएगी और ये मैं हूँ जिसे उसके असामयिक मृत्यु के लिए दोषी माना जा सकता है जैसे ही मैं अपनी माँ के बारे में सोचती हूँ मैं पीड़ा से भर जाती हूँ क्योंकि हिलोरों वाली लहरें लगता है मुझ पर आक्रमण करने को हैं घोड़े के टापू जैसी उनकी आवाज़ें मुझ पर चढ़ाई करने को बाहर आई हैं मैं ऐसा अनुभव करती हूँ मेरे पास आओ मेरी आत्मा मेरे और अधिक पास आओ मुझे चूमो और मेरे अंतरतम की गर्मी को महसूस करो मुझे इसकी आवश्यकता है अत्यधिक आवश्यकता है मेरे लिए ये ओछापन नहीं ये वो है जिससे मैं अपना परीक्षण करती हूँ शायद तुम तो मेरी विचारधाराओं की प्रशंसा नहीं कर सकते किंतु तो मेरे पास आओ मेरे प्रिय हम यहाँ बैठे इस तख्त पर एक दूसरे के बिल्कुल करीब अतः वो तख्त पर जाकर बैठ गए जो माधव नारायण के मंदिर के अनैतिक कार्यों का गवाह था उस क्षण वो दोनों वहाँ बैठे हुए दो पवित्र पुष्पों से दिखाई दे रहे थे तूफान सुबह के पहले घंटों में बिना खत्म हुए बढ़ता जा रहा था जब सौदामिनी झोपड़ी से बाहर आई कुछ देर के लिए लगा वो थम गया हो पर वो थमा नहीं था अब लगने लगा मानो पहले जैसा ही भीषण तूफान तो था नदी का स्तर बढ़ता जा रहा था तेजी से पानी के किनारों को करीब करीब छू ही रहा था वो उसकी ओर बढ़ी वहां और आकाश की गर्जना के बीच उसने अपने अस्तित्व को दर्द को और अकेलेपन के मृदु सुर का पीछा करते हुए अनुभव किया आनाम दुख ने उसकी आत्मा को दयाद्र कर दिया क्या ये सब इस प्रकार घटे क्या मैंने ऐसा चाहा था उसने अपने आप से बार बार पूछा क्या ठीक ऐसा ही मैंने चाहा था एक बार और लगा उसने बिल्कुल अलग तरीके से उन भीषण तापों को सुना वो तुर अनिश्चित सी घायल बिना शस्त्र के सिपाही सी प्रतीक्षा करने लगी लेकिन किसकी प्रतीक्षा ये निश्चित तो नहीं था समय गुजरता गया क्या उसे वापस लौटना चाहिए आखिर किसके पास लौटे अपने मृत पति की हठी यादगारों की दर्द भरी शरण में सौदामिनी ने पीछे तूफानी रात में मौसम से पीड़ित आश्रय की ओर देखा समय निराशाजनक ढंग से गुजर रहा था ऐसा उसने महसूस किया उसकी माँ की मृत्यु का समय तेजी से निकट आता जा रहा था ये सब इस तरह क्यों हो गया क्यों ओह क्यों? आखिर अन्य अधिकांश निसहाय आत्माओं ने उसी के सामने जीवन के सच्चे आश्रय को एकत्रित किया बुद्धिमत्ता एवं संतुलन के शब्द शब्द जिन्हें सुनहरे फ्रेम में मढ़ा जा सके यहां इसी स्थान पर पिछले दिनों देवधरी बाबा ने जीवन और जगत से संबंधित अमूल्य परामर्श दिया था वहां एकत्र राधेशाम उससे अभिभूत थी वो आनंद एवं अत्यधिक विवशता के आंसू बहाने लगी थीं। बाबा के पैरों की धूल सिर पर लगाकर उन्होंने कामना की थी मेरा जीवन और अंग जहाँ मैं बैठी झड़ जाएं, मेरा मांस और मेरी हड्डियाँ अपने तत्वों में समा जाएँ तो भी मैं डगमगा ना सकूँ जब तक कि आत्मबोध का सच्चा प्रकाश मुझमें उदित न हो आत्मज्ञान जो सच्चा है और दुर्लभ है मुश्किल से ही पाया जा सकता है कई युगों के आडंबरहीन ध्यान के बाद ही अपने आवेशों और लौकिक बंधनों पर नियंत्रण पाओ उपदेशक ने कहा क्या भगवान अर्धनारीश्वर ने कभी अपने प्रिय का चेहरा देखा भी है सत्य सोने के कण के नीचे दबा रहता है उस कण को हटाओ ओ सूर्य ताकि हम वो सत्य जो शाश्वत हो देख सकें और जो सदा जीवित रहें शब्द बुद्धिमत्ता एवं सच्चे न्याय की पवित्रता को प्रतिबिंबित करते हैं अमूल्य हैं बहुत अधिक अमूल्य कि सोने के फ्रेम में जड़ा जा सके कितने दुख की बात है कि वह उस उपदेश के एक भी शब्द से प्रेरित होने में असफल रही नदी की ऊंची लहरें सरकती जा रही थीं, ठंडी हवा हड्डियों को कपा रही थी एक नया दिन उगने को था अनुपमा उसकी माँ मर जाएगी बहुत जल्दी मर जाएगी सफलता की घोषणा करेगी और फिर वो स्वर्ग की याद करने लगी और तुरंत ही उसकी आत्मा के सारे बंद दरवाजे खुल गए एक क्षण के लिए पीछे से बाहर आया जिसके आलोक में उसने उस भीषण आशंका का दर्शन किया नहीं अनुपमा को उस पर विजय नहीं पाने देना है पर क्यों नहीं उसे अपनी बात सिद्ध करने देना चाहिए फिर वो अपने हृदय के मित्र अपने प्रेमी से कहने लगी नरमी से मुझे क्षमा करो और लौट जाओ मुझे क्षमा कर दो ठीक उसी समय फिर भारी वर्षा शुरू हो गई लगा बादलों के बड़े-बड़े टुकड़ों ने टकराना शुरू किया काफी जोरदार हवा चली वो उसके दुबले पतले शरीर के चित्रों में घुस गई पीपा पुल की दूसरी ओर किसी जगह पर बादल गरजे और बिजली गिरी किंतु स्पष्ट तैयारी का उपयोग क्या है पर उन तत्वों को किसी छोटी कम उम्र की लड़की को जो बुरी तरह हमले से घायल हो गई हो जीवन का स्वागत करने के लिए इतना क्रियाशील क्यों होना चाहिए वो आगे बढ़ी उसे मालूम था कि यह एक सुनहरा अवसर है वो जानती थी कि वो लौट कर नहीं आएगा लहरें नृत्य और गर्जना कर रही थी और किनारे तक उठ रही थी वो और आगे बढ़ने लगी उसने चेतावनी की एक चीख पुल की एक ओर से आती हुई सुनी हमारी पवित्र माता राधा के नाम पर मैं तुम पर आरोप लगाती हूं कदम आगे मत बढ़ाओ और आगे नहीं जाओ नदी में बाढ़ आ गई है उसने पहचान लिया कि वो आवाज उस सपेरे की थी वो उस बुरे मौसम का फायदा उठा रहा था वो पवित्र शब्द राधा की जय लगाता है सारी धरती पर और आकाश में निश्चित आपदा के क्षण व्याप गया समय तेज भाग रहा था और समाप्त होता जा रहा था आगे की सोच विचार से क्या फायदा मात्र सोच विचार किंतु एक खास प्रश्न उसका पीछा कर परेशान कर रहा था वो उनभी भीषण किनारों के सिरों तक पहुंची किंतु ऐसा क्यों था इसे ऐसा ही होना चाहिए था किंतु क्यों फिर अंतिम छलांग दिन निकला वो खोज सकते थे उस तूफान तो झेली नदी के किनारे पर उसका दुपट्टा एक रंगीन दुपट्टे के साथ कुथा हुआ था जो किसी ऐसी औरत का था जो भाग्यशाली रही कि जिसने अपने पति के जीवित रहते ही अंतिम सांस ली नदी के किनारे अफवाहें फैल गईं उन्होंने राधे श्यामियों की बड़ी संख्या शामिल कर ली पहला झटका खत्म हुआ उन्होंने विदा हो गई आत्मा के बारे में जैसे चाहे वैसे कल्पनाएं की उनमें से उसके लिए कोई आदरणीय या प्रिय नहीं था उनमें से एक भी सहानुभूतिपूर्ण नहीं था उसका दुपट्टा जो रेत में से खोद कर बाहर निकाला गया उसे उन्होंने उसके अव्यक्त चरित्र को उकेरने में लगा दिया जिसका वो अपने अपने तरीके से अर्थ लगा सकते थे सौदामनी की स्मृतियाँ जल्दी ही विस्मृति के गर्त में खो गईं देवधरी बाबा जो पानी के ऊपर बने बांस के मंच पर रहा करते थे एक बार फिर भक्तों और प्रशंसकों को आकर्षित करने लगे जो सैकड़ों में उनके सोने के फ्रेम में जड़ने योग्य शब्द सुनने के लिए रेतीले किनारे पर जमा हो जाते थे सौदामिनी की मृत्यु के बाद कलाकार राकेश को कई दिनों तक रेत पर भटकते हुए देखा गया फिर अष्ट सखी की सीढ़ियों पर बैठकर उसने एक चित्र बनाना शुरू किया पंडों के झुंड नए तीर्थ यात्रियों खोज में भद्दी फोप्तियां कसते थे महाशय वो कहते थे तुम केवल पद चिन्हों को चित्रित कर रहे हो किंतु उन्हें कौन खरीदने जा रहा है कलाकार उत्तेजित हो जाता था और रोषपूर्ण प्रतिक्रिया करते हुए कहता मैं जो बना रहा हूं, निश्चित ही है मैंने यमुना की रेत ताजा ही उठाई है किंतु मैं चुनौती देता हूँ तुम में से प्रत्येक को यह बताने के लिए कि इसमें कौन सा हिंदू है और कौन सा ईसाई और कौन सा मुसलमान का यदि कर सकते हो तो अभी करो वो बेवकूफ निर्वाक रह जाते थे उन्होंने सुना कि वो कलाकार इन दोनों एक से दूसरे भिक्षागृह तक रोटी के एक टुकड़े के लिए भटकता रहता है दिमाग से चल गए व्यक्ति वो राधे श्यामियों के झोपड़ों के पास भी घूमते हुए इन दिनों देखा जा सकता है एक ही चादर जो उसके पास थी उसमें एक सोती हुई बूढ़ी राधेश्यामनी पर डाल दी इसके कुछ दिनों बाद उस बूढ़े कलाकार को एक दिन मथुरा जंक्शन के रेलवे स्टेशन के पास देखा गया पंडे जो नए तीर्थयात्रियों को ब्रज की पवित्र भूमि तक ले जाने की जुगाड़ में थे उन्होंने उससे कहा हम तुम्हें कैसे पहचानेंगे यदि कभी हम तुमसे फिर मिले तुमने कहाँ रहने का सोचा है कलाकार मुस्कुराया और उसने उत्तर में कहा मुगल शैली के चित्रकारों में आखिरी चित्रकार रामप्रसाद के बारे में कलाकार रायकृष्ण दास ने जो कुछ भी देखा व लिखा आपको याद नहीं क्या उसके बारे में कहा जाता है उसका स्वभाव ईमानदार दृष्टिकोण वाला दार्शनिक और सौंदर्य की पहचान करने वाला था कहने का मतलब है सामान्य व्यक्तियों के स्वभाव सा ये इसलिए क्योंकि किसी व्यक्ति का सच्चा आंकलन उसमें विद्यमान सौंदर्य की प्रशंसा में निहित है अतः एक दार्शनिक और एक कलाकार के बीच पहुंच की मूल तह एकता है रामप्रसाद की परख बहुत गंभीर एवं भीतर तक धंसने वाली थी वह चित्रकार एवं गायक के रूप में समान योग्यता वाला था किंतु विडंबना है कैसे महान व्यक्ति को अपने दिन अभाव एवं गरीबी में गुजारने पड़े। अब तुम रायकृष्ण के इन शब्दों को याद कर सकते हो उनको पता था कि कैसे काशी की एक भद्दी गली में मुगल शैली की चित्रकारी प्रतिनिधि को पाया जा सकता है तुम उस मास्टर को जानते हो उन्होंने कहा उसकी भद्दी अव्यवस्थित दाढ़ी उसकी गंदी धोती और कंधों पर पड़ी उसकी बहुत साफ शॉल से अक्सर वो नंगे पांव चलता है फिर भी तुम उन्हें पहचानते ही हो अब तुमने पूछा मुझे तुम कैसे पहचानोगे किंतु मैं किसी कला का कोई अंतिम प्रतिनिधि तो हूँ नहीं मैं ब्रज के अष्टधातु कलाकारों का अयोग्य वारिस हूँ राम जी को उनकी साफ शाल से पहचाना जा सकता है किंतु मैं ऐसा कुछ नहीं पहनता तो मुझे जैसा अब हूँ बिना चादर के ही देखोगे वो कहते हैं राम जी गांधी टोपी भी लगाया करते थे तुम तो मेरे सिर पर एक गांधी टोपी तो देख सकते हो एक साफ गांधी टोपी चमकीली और साफ गांधी टोपी पंडो के जमघट ने अविश्वास से पूछा हाँ एक गांधी टोपी मेरा मतलब इसी से है मैं अक्सर नंगे पांव चलता हूँ किंतु एक साफ गांधी टोपी फिर भी मेरे सिर पर शोभा बढ़ाएगी उन्हें विश्वास दिलाने के लिए अंत में उसने कहा पक्का होने के लिए मेरा हमेशा का चिन्ह रहेगा एक गांधी टोपी साफ और चमकीली भारतीय ज्ञानपीठ तथा साहित्य अकादमी से सम्मानित असमिया की सशक्त हस्ताक्षर इंदिरा गोस्वामी का जन्म 14 नवंबर उन्नीस को गुवाहाटी में हुआ आप दिल्ली विश्वविद्यालय के आधुनिक भारतीय भाषा विभाग में प्रोफेसर रहीं पर आपकी असली पहचान आपके लेखन को लेकर रही आपने सामाजिक कुरीतियों पर काफी लिखा भारत में महिला सशक्तिकरण भी आपके लेखन के केंद्र में था डॉक्टर गोस्वामी ने उन्नीस में माधवन राय सोम आयंगर से शादी की पर महज डेढ़ साल बाद ही कश्मीर में हुए एक सड़क हादसे में माधवन की मौत हो गई इस घटना से पूरी तरह टूट गई गोस्वामी ने एक समय तो वृंदावन जाने का मन बना लिया था जिसे हिंदू विधवाओं के लिए एक गंतव्य माना जाता है साहित्य तक पर कालजयी कहानियों की कड़ी में आज मैं सारिका पंकज इनकी लिखी लघु उपन्यास नीलकंठी ब्रज के कुछ आखिरी अंश लेकर आई थी असमिया से इसका हिंदी अनुवाद दिनेश द्विवेदी ने किया है खास बात यह है कि ये उपन्यास भी एक हिंदू विधवा के ईसाई प्रेमी से मिलने की उत्कट अभिलाषा पर आधारित है फिर मिलेंगे अगले रविवार को तब तक करिएगा इंतज़ार और ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए आप हमसे किस तरह की कहानियों की उम्मीद करते हैं ये भी आप हमें ज़रूर बताएंगे तब तक के लिए दीजिए अनुमति नमस्कार